हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो कि आप लोगों को बताने वाले हैं कि कार्ड मास्टर का न्यू अप टू डेट जो कि आ गया है, जो कि पहले 6.0.5 था, लेकिन अब जो अप टू डेट्स आ गया जो कि यहां पर 6.0.6 आ गया है, तो बहुत ही अच्छा अप टू डेट्स आया है। अब क्या होगा कि जो आपका कार्ड मास्टर थोड़ा बहुत जो लेग करता था, लेकिन अब लेग नहीं करेगा, और जो कार्ड मास्टर है उसका इंटरफेस भी चेंज हो गया है। तो सारा चीज़ जो कि आज के इस वीडियो में जो कि आप लोग को बताएंगे, थोड़ा सा जो कि यहाँ पर कंपेयर करेंगे जो कि इसके पहले जो काइन मास्टर था उसे कंपेयर करेंगे, और जो भी लेटेस्ट जो काइन मास्टर है उसे कंपेयर करेंगे, तो आप लोग को जो कि दोनों का डिफरेंस बताएंगे, और इसमें जो कि बहुत सारे जो कि यहाँ पर आया है जो कि आप देख ही सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर क्लिप्स को आप अनलिमिटेड ऐड कर सकते हैं। तो सारा चीज़ यहाँ पर बहुत सारे जो कि ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो कि आपका 4K सपोर्टेड करेगा, तो आपका वीडियो जो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो कि यहाँ पर 4K सपोर्ट कर लेगा। उसके बाद आपका क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा होने वाला। तो सारा चीज़ जो कि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो गाइस उससे पहले यदि वीडियो पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गाइस जो कि आपको मोबाइल के स्क्रीन पर चले आना है, और जो कि यहाँ पर आपको जाना है जो कि यहाँ पर प्ले स्टोर के ऊपर। प्ले स्टोर के ऊपर जाने के बाद जो गाइस यहाँ पर आपको सर्च करना है जो कि यहाँ पर काइन मास्टर। काइन मास्टर एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके मदद से जो कि आप यहाँ पर वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, और सारा चीज़ जो कि आज की इस वीडियो में आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर फाइनली गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो कि हम काइन मास्टर ओपन कर लिए हैं। ओपन करने के बाद गाइस आपको कुछ इस प्रकार जो कि यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पर क्या करना है जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अबाउट दिस ऐप। तो अबाउट दिस ऐप के नीचे आपको जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस जो मेरा वर्जन है, जो कि यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन है, जो कि यहाँ पर मेरा वर्जन है जो कि यहाँ पर 6.0.6 है। तो बेसिकली अरे आप लोग के मोबाइल में नहीं शो कर रहा है, या फिर आपका मोबाइल में जो कि अपडेट्स नहीं हो रहा है, बेसिकली आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ पर प्ले स्टोर का जो कि आपको अपडेट करना है। तो कैसे हम प्ले स्टोर को अपडेट करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जाना है जो कि यहाँ पर आपका लोगो के ऑप्शन के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है जो कि यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि आपको स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि अबाउट। अबाउट के बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो यहाँ पर प्ले स्टोर वर्जन। तो बेसिकली आपको यहाँ पर अप टू डेट प्ले स्टोर के ऊपर क्लिक करके और जो अपना प्ले स्टोर होगा जो अपना अप टू डेट कर देना। अप टू डेट करने के बाद फिर से जो कि आपका काइन मास्टर ओपन करना है, या फिर काइन मास्टर ओपन नहीं हो रहा तो उसको आप अप टू डेट्स कीजिएगा, तो आप वहाँ पर अप टू डेट्स हो जाएगा। तो आप लोग को बता दें गाइस कैसे जो कि यहाँ पर प्ले स्टोर अप टू डेट करते हैं। उसके बाद बेसिकली आपको क्या करना है कि जो आप काइन मास्टर देख रहे हैं तो काइन मास्टर यहाँ पर 4.3 का रेटिंग है। उसके बाद चलिए गाइस इसको अप टू डेट करके आप लोग को बताते हैं। यहाँ पर फाइनली गाइस यहाँ पर मैंने अप टू डेट कर दिया है। उसके बाद जो कि आपको यहाँ पर 6.0.6 का यहाँ पर वर्जन आप लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ओपन करना है। ओपन करने के बाद गाइस आपको कुछ इस प्रकार जो कि यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही चेंजिंग हो गया है, जो कि इसका 6.0.5 पहले था जो कि इससे बहुत ही चेंजिंग हो गया है। तो कुछ इस प्रकार जो कि यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर मिक्स है, जिस तरह से आप यहाँ पर देखते हैं इंस्टाग्राम में, और यहाँ पर देखते हैं रील्स टाइप से, तो उस टाइप से यहाँ पर देखते हैं गाइस जो कि यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर आप यहाँ पर लाइक भी कर सकते हैं, यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर भी शेयर भी कर सकते हैं। तो सारा चीज़ जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं गाइस यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिया गया है। आपको जो भी यहाँ पर एनिमेशन, या फिर आपको जो भी यहाँ पर फादर्स डे जैसे कि आज है, तो यहाँ पर जहाँ पर बहुत सारे जो कि यहाँ पर देखने को मिलेगा, कैसे यहाँ पर हैप्पी बर्थडे का यहाँ पर लोगो लगाते हैं, कैसे यहाँ पर सारा चीज़ यहाँ पर बनाते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद गाइस यहाँ पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर मार्केटिंग, या और यहाँ पर एडुकेशनल, यहाँ पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर सेलिब्रेशन, तो सारे चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो 16:9 उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है जो कि यहाँ पर यूट्यूब का लिए बेस्ट है 16:9। उसके बाद 9:16 क्या होता है, बेसिकली आप यहाँ पर रील्स बना सकते हैं इंस्टाग्राम के लिए। उसके बाद यहाँ पर 1:1, तो सारा चीज़ जो कि आप अपना अकॉर्डिंग से यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपना यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर मी के ऑप्शन के ऊपर जाना है। उसके बाद अपना जो आपका यहाँ पर प्रोफाइल होगा जो कि यहाँ पर लॉगिन करना है। तो बेसिकली गाइस हम यहाँ पर गूगल से यहाँ पर लॉगिन कर रहे हैं, तो मेरा जो यहाँ पर जीमेल आईडी यहाँ पर शो कर रहा है, तो यहाँ पर जो कि हम फाइनली गाइस जो यहाँ पर लॉगिन कर लिए हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको जाना है जो कि यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन के ऊपर। तो कोई भी प्रोजेक्ट को यहाँ पर आपको बनाना है तो यहाँ पर आपको जाना है यहाँ पर 16:9 जो कि बेसिकली यूट्यूब के लिए है।
है तो यहाँ पर क्रिएट के ऑप्शन के ऊपर जाना है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार जो कि इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो इसको हम स्किप करते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। तो फाइनली गाइस यहाँ पर देख सकते हो जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पर फोटो लेके आपको बताते हैं। तो यहाँ पर 3-4 ठो हम यहाँ पर फोटो को हम ऐड कर लिए, उसके बाद गाइस यहाँ पर कुछ इस प्रकार जो कि यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बीच में आपका ट्रांजेक्शन इफेक्ट है जो कि यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और भी आपको ट्रांजेक्शन इफेक्ट यहाँ पर ऐड करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर बेसिकली इसके ऑप्शन के ऊपर जाना है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे जो कि यहाँ पर ट्रांजेक्शन इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक्शन, कलर, क्रॉस, स्प्लिट, जिस तरह से आप यहाँ अपना वे में जो कि यहाँ पर वीडियो को बनाना चाहते हैं जो कि यहाँ पर सारा जो कि यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर ग्राफिक्स, लिक्विड, पिक्सल्स, वाइब, तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइज। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर कोई भी चलिए यहाँ पर लगा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों का बताने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि गाइज यहाँ पर लगा लिए, उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर लेयर, तो लेयर के ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर जो आपका इफेक्ट होगा जो कि आपका बहुत सारे जो कि यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर VFX जैसा कि आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, नॉइज, ट्रांसफॉर्म्स, उसके बाद यहाँ पर क्लिप्स, ग्राफिक्स, एनिमेशन, सिनेमेटिक्स, वीडियो, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है, आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है। उसके बाद गाइस आपको चलना है सिक्योरिटी सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर, तो सेटिंग जो कि यहाँ पर कुछ छेड़खानी नहीं करना है, और यहाँ पर जो कि आपको यहाँ पर बैक जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पर एक्सपोर्टिंग के ऑप्शन के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पर 1080 क्वालिटी यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर 4K करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना है कि आपको पहले बैक जाना है। बैक जाने के बाद गाइस यहाँ पर आपको यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर जाना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डिवाइस परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो भी डिवाइस यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो 2x1080p 1080 फुल HD स्क्रीन, उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एनालाइज डिवाइस परफॉर्मेंस जो कि यहाँ पर आपको यहाँ पर करना है जो कि एनालाइज डिवाइस परफॉर्मेंस, जो आपका क्वालिटी होगा जो कि यहाँ पर और भी बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कब तक यहाँ पर एक्सपोर्टिंग होता है, मतलब कब तक यहाँ पर एनालाइजिंग डिवाइस परफॉर्मेंस करता है, उसके बाद यहाँ पर आपको 4K यहाँ पर सपोर्ट करने लगा। तो आई होप कि आप लोग थोड़ा सा जो कि यहाँ पर वीडियो में आप लोग वेट कीजिए। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा 1444 क्वालिटी है जो कि बहुत ही अच्छा हो गया, 4K अब सपोर्ट करेगा, जो कि ये आप लोग को हम समझा देंगे गाइस। उसके बाद यहाँ पर आपको बैक जाना है, बैक जाने के बाद यहाँ पर एडवांस सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर ओपन मीडिया ब्राउजर इन फुल स्क्रीन जो कि यहाँ पर आपको इनेबल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ओपन IDGO ब्राउजर इन फुल स्क्रीन, तो सारा चीज़ जो कि आप अपना हिसाब से जो कि यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं, और आपका जो कि वीडियो यहाँ पर FPS जो कि यहाँ पर 16 होना चाहिए, या फिर आप 30 पर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो कि नॉर्मली होता है, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं जो कि 30 FPS। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर अलाउ अनलिमिटेड लेयर्स, जो कि आपको यहाँ पर अलाउ कर ही देना चाहिए। अलाउ करने से क्या होगा कि आप अपना जो वीडियो होता है जो कि आप अपना अनलिमिटेड लेयर को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा फीचर होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपका जो फाइल होगा, तो आपका फाइल जिस फाइल में यहाँ पर सेव होगा जो कि यहाँ पर आपको कर देना है। यदि आप लोग को काइन मास्टर से वीडियो को एडिटिंग करना नहीं जानते हैं तो आपको यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो जाइए उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, और उस वीडियो के माध्यम जो कि आप लोग को बताने का प्रयास किया कैसे वहाँ पर वीडियो को एडिटिंग करते हैं, तो सारा चीज़ जो कि A to Z चीज़ आप लोग को बताने का प्रयास किया, कैसे जो कि यहाँ पर क्रोमा की इनेबल करते हैं, कैसे यहाँ पर ट्रांजेक्शन इफेक्ट लगाते हैं, कैसे यहाँ पर ग्राफिक्स लगाते हैं, तो सारा चीज़ जो कि हम एक्सप्लेन के साथ इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोगों को बताएं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, तो जाइए आप लोग वीडियो को आप लोग देख डालिए। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यदि आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।